बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थीना टीवी चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मुसलमानों की तारीख और करंट अफेयर्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सलजोक सल्तनत के चौथे और पांचवें सुल्तान के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मलिक शाह की मौत बगदाद में शिकार खेलते वक्त जहर देने की वजह से हुई, और तुर्कन खातून ने उनकी बॉडी को इस्फहान में वापस लाकर एक मुकाम पर दफनाई। मलिक शाह की अचानक मौत के बाद नासिरुद्दीन महमूद अव्वल 1092 से 1094 तक सलजोक सल्तनत के सुल्तान रहे। उसने मलिक शाह अव्वल की जगह सुल्तान की हैसियत से इक्तदार संभाला, लेकिन उसने मलिक शाह और अल अरसलान की बनाई हुई सल्तनत पर कंट्रोल हासिल नहीं किया, और महमूद अव्वल की उम्र उस वक्त 4 साल थी। मलिक शाह की अचानक मौत के बाद तुर्कन खातून ने अपने 4 साल बेटे महमूद के लिए तख्त हासिल करने की कोशिश की, जिसे बगदाद में सुल्तान करार दिया गया। और दूसरी तरफ मलिक शाह का बड़ा बेटा बरक्यारक था। बरक्यारक का पूरा नाम रुकनुद्दीन अबुल मुजफ्फर बरक्यारक इबन मलिक शाह था। मौरखीन के मुताबिक मलिक शाह की मौत के बाद तुर्कन खातून ने एक खत इस्फहान में भेजा, और उसमें महमूद अव्वल को जानशीनी का मलिक शाह की तरफ से खत भिजवाया, और बगदाद के खलीफा को अपने साथ मिलाकर महमूद अव्वल को तख्त नशीन करवाया। और सुल्तान बरक्यारक की पैदाइश सलजोक के दारुल हुकूमत इस्फहान में 1089 में हुई, और कुछ मौरखीन के मुताबिक 1080 में पैदाइश हुई। बरक्यारक मलिक शाह अव्वल के सबसे बड़े बेटे थे, और उनकी वालिदा का नाम जुबैदा खातून था। 1092 में अपने वालद की मौत के वक्त बरक्यारक सिर्फ 13 साल के थे, और बरक्यारक के सुतेले भाई मोहम्मद तप्पर की उम्र उस वक्त 11 साल थी, जबकि एक और सुतेले भाई का नाम महमूद जो कि 4 साल का था। मलिक शाह के एक भाई जिसका नाम तुतिश अव्वल था, जिसने अपने भाई की तरफ से शाम पर हुक्मरानी की, और उसने बाद में तख्त का दावा किया, लेकिन उसे तुर्कमानों से बहुत ज़्यादा कम हमायत हासिल हुई। और इसी तरह मलिक शाह की मौत सल्तनत के ज़वाल और बिखरने के आगाज़ की निशानदाही करती है। तुर्कन खातून ने सलजोकी वज़ीर ताजुल मल्क के तावन से अपने 4 साल बेटे महमूद को बगदाद के तख्त पर बैठाया। उसने अब्बासी खलीफा मुस्तज़ीर को महमूद के नाम से खुतबा पढ़ने पर आमादा किया, और अमीर क़वामुद्दौला करबुका के मातहत एक लश्कर इस्फहान पर कब्ज़ा करने और बरक्यारक को शिकस्त देने के लिए भेजा। और इसी असना में सलजोक वज़ीर निज़ामुल मल्क, जिसे निज़ामिया कहा जाता है, के ख़ानदान और हामियों ने तुर्क ग़ुलाम सिपाही एरगश की क़्यादत में बरक्यारक की हमायत की। बरक्यारक और तुर्कन खातून की फ़ौज के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई। बरक्यारक की फ़ौज को फतह हासिल हुई, और दारुल हुकूमत इस्फहान पर कब्ज़ा कर लिया गया। 16 जनवरी 1993 में दोनों हरीफों के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, उसमें महमूद अव्वल यानी तुर्कन खातून की फ़ौज को शिकस्त हुई, और ताजुल मल्क को पकड़ लिया गया। और इसके बाद तुर्कन खातून ने जल्द ही सलजोक शहजादे इस्माइल इब्ने याकूती को बरक्यारक पर हमला करने के लिए बुलाया, अगरचे साबक ने अजरबैजान और ईरान से तुर्कमान की फ़ौज तैयार की थी, लेकिन उसे बरक्यारक के अताबे के हाथों शिकस्त हुई और कत्ल कर दिया गया। इसके बाद तुर्कन खातून ने तुतुश तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 1094 में अचानक उसकी मौत वाक़ हो गई। इसके बीमार बेटे महमूद की भी एक माह बाद मौत वाक़ हो गई। बरक्यारक को अपने चचा तुतिश से भी निमटना पड़ा, जिसने जजीरा और मगरबी ईरान पर हमला करके रे शहर पर कब्ज़ा कर लिया। ताहम वो 25 फरवरी 1095 को उसी शहर के करीब बरक्यारक की फ़ौज के हाथों मारा गया। इस तरह बरक्यारक मगरबी ईरान और इराक में अपनी अथॉरिटी को मुस्तहकम करने में कामयाब हुआ, और बरक्यारक को उन्होंने बतौर सुल्तान तस्लीम किया।
इसके नतीजे में होने वाली अफरा तफरी के दौरान मलक शाह के भाई अरगोन अरसलान ने खुरासान का बेशतर हिस्सा फतह कर लिया। निशापुर के शहर में उसने अपनी सल्तनत कायम करने की कोशिश की। बरक्यारक ने सबसे पहले 1095 में अपने चचा बोरीबार्स अल परसलान की क्यादत में खुरासान को फतह करने के लिए एक फ़ौज भेजी, लेकिन बाद में उसे पकड़कर मार दिया गया और उसने दोबारा 1097 में अपने भाई अहमद संजर की क्यादत में दूसरी फ़ौज भेजी, लेकिन कुछ होने से पहले ही अरगुन अरसलान को उसके अपने ही गुलामों ने अपनी राया के खिलाफ वहशियाना सलूक की वजह से कत्ल कर दिया। बरक्यारक ने अहमद संजर को उसके बाद वहाँ खुरासान का हुक्मरान मुकर्रर कर दिया और कुछ मौरखीन के मुताबिक संजर अहमद को खुरासान के इलाके में 21 साल नायब की हैसियत से हुकूमत करना पड़ी और तारीख के मुताबिक बरक्यारक की सारी ज़िंदगी अपने भाइयों और चचा की बगावतों को रोकने में गुजरी और इन बगावतों की वजह से जो सलजोक सल्तनत बहुत अरसे से तुगरुल बेग अल परसलान और मलक शाह अव्वल के दौरे हुकूमत में वसी और अरूज पाने वाली सल्तनत 5 हिस्सों में तकसीम हो गई। मलक शाह की वफात के बाद उनके बेटों की बगावतों की वजह से कुछ वज़रा ने अपने इलाकों को खुद मुख्तारी और अलहदा रियासत का ऐलान कर दिया। सुल्तान बरक्यारक और मोहम्मद तपर के दरमियान तकरीबन 5 जंगें हुईं। उस वक्त जो हरीफ गालब आता वो अपने नाम का खुतबा बगदाद में सुनवाता। खुरासान वाले मामले के बाद बरक्यारक ने मशरक में तिरमस तक एक मुहिम की क्यादत की, जहां उसने कारखानियों सुलेमान तेगिन और महमूद तेगिन को ट्रांसिस्किया का जगीरदार हुक्मरानों के तौर पर तस्लीम किया। उसने कुतुबुद्दीन मोहम्मद को वस्ती एशियाई इलाके ख्वारज़म का नया गवर्नर भी मुकर्रर किया। इस तरह ख्वारज़मियों की सल्तनत का आगाज़ हुआ। उसने बलख के शहर में 7 महीने गुजारे और फिर मगरब की तरफ लौट आया। ताहम अपने मशर के अमलाक को छोड़ने के बाद यह इलाका बगावतों के एक सिलसिले में डूब गया, जिसमें एक सलजोक शहजादा दौलत शाह भी शामिल था। निशापुर पर मारे गए सिखों से बरक्यारक का नाम खारिज होना शुरू हो गया, जो खुरासान में उसकी हुकूमत के ऐसा ऐसा टूटने की गवाही देता है। मुसलसल दाखिली मसाइल में उलझे हुए बरक्यारक 1097 में शाम में पहली सलीबी जंग की आमद का जवाब देने के लिए दस्तयाब नहीं था और सलीबियों ने अंताकिया का मुहासरा किया और वहां पर सलीबियों को फतह हासिल हुई और फिर शाम के इलाके में भी बगावतें शुरू हो गईं। शुमाली हिस्से में फखरुल मल्क रिजवान और जनूबी हिस्से पर शमसुल मल्क दक्का की हुकूमत थी। जब सलीबी शाम में दाखिल हुए तो रिजवान ने अपनी बैत बरक्यारक से फातमी खिलाफत की तरफ मुंतकिल कर दी और सबसे मुश्किल काम जिसका बरक्यारक को सामना करना पड़ा 1098 में उसके सौतेले भाई मोहम्मद बिन तब पर जिसने बगावत कर दी। बगावत की हौसला अफजाई निज़ामुल मल्क के बेटे मईदुल मल्क ने की थी, जो पहले बरक्यारक की खिदमत कर चुका था और बरक्यारक ने कुछ वजूहात के बिना पर उसे माजूल कर दिया। बरक्यारक के हाथों बरतरफी के बाद वह महमूद मोहम्मद बिन तपर की खिदमत में दाखिल हुआ, जिसने उसे अपना वजीर मुकर्रर किया। मईदुल मल्क ने अपने हरीफों से बदला लेने के लिए अपनी नई पोजीशन का इस्तेमाल किया और मोहम्मद बिन तपर ने रे के इलाके पर कब्जा कर लिया और सादुद्दौला गोहर एन बगदाद का फौजी मुंतजिम जल्द ही मोहम्मद बिन तपर के साथ शामिल हो गया, जिसका मतलब यह है कि शहर को भी उनके दायरा कार में शामिल कर लिया गया था और सुल्तान बरक्यारक और मोहम्मद तपर के दरमियान तकरीबन 5 साल तक जंग लड़ी गई और जो भी फरीक गालब आता वो बगदाद में अपना खुतबा सुनवाता और इन बगावतों की वजह से सुल्तान बरक्यारक का अख्तियार आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला गया और इन बगावतों की वजह से दूसरी सल्तनतें ताकतवर होती गईं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक टाइम पे दोनों भाइयों के दरमियान सुलह हो गई और बरक्यारक बगदाद का हुक्मरान बना और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तपर अज़रबैजान का हुक्मरान बन गया और 1105 में बरक्यारक बगदाद की तरफ
सफ़र के दौरान कुछ मोहलक अमराज की बिना पर इंतकाल कर गया। इंतकाल के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और सलजोक सल्तनत में इन सब लड़ाइयों का नुकसान आलम इस्लाम को हुआ और फातमी सल्तनत अपना जोर फिर से पकड़ गई और सलीबियों को भी दोबारा से हुक्मरानी का। अनातोलिया में एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया और मुअर्रिखीन के मुताबिक सलजोक 5 हिस्सों में तकसीम हो गए। इनमें से एक अपने बाबा अजदाद की तरफ तख्त नशीन हुए और वस्त एशिया और खुरासान के इलाके को संभाला और कुछ सलजोकों ने रे को मरकज़ करार दिया। ईरान और इराक पर हुकूमत की और इराकी सलजोक के नाम से मशहूर हुए और कुछ एशियाई कोचक पर खुद मुख्तार हुकूमत कायम की और वह सलजोकी रूम से जाने गए और कुछ ने शाम और अल जज़ीरा पर हुकूमत कायम की और वह शामी सलजोक कहलाए। मलक शाह की मौत के बाद यह सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली गई और बरक्यारक की मौत के बाद उसका बेटा मलक शाह दोम जानशीन मुकर्रर हुआ और मोहम्मद बिन तप्पर ने बगदाद में इलाके को फिर अपने कब्ज़े में ले लिया और इसी तरह सलजोक सल्तनत टुकड़ों में तकसीम हो गई। अगर नाज़रीन आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।